दिल्ली में शुक्रवार को 55 जगहों पर मॉक ड्रिल किया गया। भूकंप का आधार बनाकर किया गया था मॉक ड्रिल, जिसमें आर्मी समेत कई एजेंसीज मॉक ड्रिल में शामिल हुए और किसी प्रकार की आपदा से निपटने में सरकारी सीमा कितनी सक्षम है इस बात पर ध्यान दिया गया। शुक्रवार को दिल्ली के अलग अलग होने में 55 जगहों पर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया, जिसमें बाहरी उत्तरी जिले में भी कई जगहों पर भूकंप से निपटने की तैयारियों को देखा गया। भूकंप जैसे हालातों से निपटने के लिए दिल्ली के सभी जगह मॉक ड्रिल चलाई जा रही है, जिसमें की सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, LCD, PWD, कैट्स, एम्बुलेंस, DAM, तहसीलदार, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मिलकर इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। अब देखने वाली बात है कि यदि किसी भी तरह की कोई आपदा आती है तो सभी डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं, आप जैसे निपटते हैं या नहीं। ये पूरे मॉक ड्रिल आज जो है पूरे दिल्ली NCR के एरिया के अंदर की जा रही है, और हमारे दिल्ली में ये पूरे 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको एक साथ संचालित किया जा रहा है। इसके अंदर हमने जो घटना सुनी है वो अर्थक्वेक और फायर की सुनी है हमारे डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में, और यहाँ पर हमारे 7 लोकेशन के ऊपर हम लोग अपनी मॉक ड्रिल की रिहर्सल कर रहे हैं। जैसे मेला में जो अपनी यहाँ किस किस जगह पे है आज की डेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में 7 लोकेशन हैं, जिसमें एक APMC आजादपुर है, MQK रेजिडेंसी आजादपुर है, ITI भोरगढ़ है, MB हॉस्पिटल कोटपुर है, समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन है, और एक नरेला बस टर्मिनल अभी तक हमने 6 पे हमने कवर किया है, 7वीं लोकेशन और अचानक जब बोला जाएगा हमें तो हम लोग कवर करेंगे 7 लोकेशन। आउटर में मॉक ड्रिल पूरी दिल्ली में है, जो आउटर में वो कितनी जगह थे? जो हमारे यहाँ पर है, मेरे को यहाँ ITI भोरगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में 5 जगह है, तो ITI भोरगढ़ को 11:00 से 8:00 और नरेला में कितनी जगह है? नरेला में तो और एक डिपार्टमेंट है सारे, मेडिकल टीम से है, फायर से, एम्बुलेंस है, दिल्ली एयरपोर्ट से, दिल्ली पुलिस से, PWD से, MCD से है, हर सारे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट है।